नहीं है बजट में, तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये पैसा आएगा किधर से। ऊपर से उसने कहा था रीस्ट्रक्चरिंग यानी डिफॉल्ट करके, तो पैसा देना किसने? तो उन्होंने जो खसारा दिखाया हुआ है वो कहीं से तो पैसा आना ना, तो मुझे तो ये नहीं पता पैसा। हाँ सर, पहले तो आप पे पर्चे थे, अब वो आपकी फैमिली पे टारगेट है, कोई कल चीज से चल रही है कि 6 अरब रुपए, एक आपकी बहन के ऊपर एक कि 6 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, वो सारे पर्चा 6 अरब रुपए की जमीन, ये कहना बिल्कुल। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि सहाफ़ी खुद जाए या उधर के सहाफ़ी हो गए, वो ये ना हो जो कंट्रोल हो जाते हैं वो वीगो से, वो जो लकाली वीगो आ जाती है, साफियों को भेजो। मैं चैलेंज करता हूँ कि वो जाके खुद ज़मीन देखें और बताएं उसकी कीमत क्या है। तो सिंपल है ना, ज़मीन तो कोई उन्हें नहीं लगी, लंदन में नहीं पड़ी हुई, लिया में ज़मीन है। इन्होंने कहा कि ज़मीन की 6 अरब। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इस तरह करें कि हम आपको 5 अरब की भेज देते, 1 अरब का फैसला प्रॉफिट कर लो। खान साहब, जो 1 पॉइंट एजेंडे की आप बात कर रहे हैं उसमें क्या इनको कामयाबी हो पाएगी? हाँ, 1 पॉइंट एजेंडा जो आप फरमा रहे हैं कि आपको बाहर करना जो है इनका 1 पॉइंट एजेंडा। एक चीज मेरी याद है, चिलर के पास जिसके साथ काम करना कोई ताकत को डिफीट नहीं करती। ये दुनिया की तारीख है, ये कोई आज नहीं की, ये आप जो मर्जी कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? प्लान तो वाजे हो गया ना, आप नई एक और पार्टी आ गई तो इन्होंने खिचड़ी बना ली है, जो यही अभी खिचड़ी पकी हुई है, इन्होंने क्या कर दिया, अब ये और उसमें डाल दें, थोड़ी थोड़ी सीटें चली जाएंगी। मुझे तो वैसे नून लीग पर बड़ा अफसोस हो रहा है, उनसे तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि लग रहा है कि उनकी और सीटें कम हो जाएंगी। तो ये सारी खिचड़ी पक के मुझे ये पता है कि गुड़ कैसे चलेगा। गुड़ तो चलेगा अगर पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट आती, पोलिटिकल स्टेबिलिटी आती, वो बड़े फैसले कर।